हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर टिकटॉक क्यों बैन हुआ, और अगर बैन होने के बाद भी आप टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि टिकटॉक एक्चुअल में बैन क्यों हुआ है इंडिया में। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि टिकटॉक इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे सिचुएशन को लेके टिकटॉक को बैन किया गया है, और 58 ऐसे जो चाइनीज ऐप है उसको इसी रीजन से बैन किया गया है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, दरअसल बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल ये है कि जो खुफिया साइबर एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका कहना है कि टिकटॉक समेत 58 ऐसे चाइनीज ऐप जो चाइना गवर्नमेंट को हमारा इंडियन लोगों का डेटा लीक कर रहे हैं, उन्हें अपना डेटा दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और उनके डेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक समेत 58 ऐसे चाइनीज ऐप हैं जिन्हें बैन कर दिया है, जिनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्हें बैन कर दिया गया इंडिया में। दोस्तों, वैसे कल तक टिकटॉक प्ले स्टोर पर दिखा रहा था, लेकिन अब आप जाके अगर टिकटॉक सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से बैन हो चुका है। आपको बता दें, अगर आपके में ऑलरेडी डाउनलोडेड है टिकटॉक, तो आप अगर उसे ओपन करते हो तो आपको नोटिस आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है, यानी ब्लॉक कर दिया। आपको ऐसा नोटिस आएगा आप अगर यूज़ कर रहे होंगे अभी तो। दोस्तों, आपको बता दें, बैन होने के बावजूद भी अगर आप टिकटॉक को यूज़ कर रहे हो, ऐसे में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे आपने टिकटॉक को यूज़ किया था तो और उसमें लॉगिन किया होगा, तो आपसे एक्सेस मांगा जाता है आपकी गैलरी का, माइक्रोफोन का, और भी जितनी सारी चीज़ें होती है जिनका आपसे एक्सेस मांगा जाता है, और आप अलाउ कर देते हो। ऐसे में टिकटॉक आपका डाटा बड़ी आसानी से चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी भी समय है, जो अगर टिकटॉक बैन होने के बाद भी टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं वो अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हो गया। टिकटॉक के साथ यूसी न्यूज़ जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन, एक्जेंडर, शेयरइट, ये जो पॉपुलर ऐप्स थे, ये सारे अब बंद हो चुके हैं, यानी बैन हो चुके हैं इंडिया में। दोस्तों, आप इंडियन ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हाल फिलहाल में चिंगारी ऐप आई है जो कि काफ़ी अच्छी है, तो आप उन्हें प्रमोट कर सकते हो। और यार, आत्मनिर्भर बनो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, देश का सपोर्ट करो यार, कहाँ चाइना के पीछे लगे हुए हो आप। तो दोस्तों, यही रीज़न था टिकटॉक को बैन करने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आई होप आप समझ गए होंगे कि टिकटॉक को क्यों बैन किया गया इंडिया में। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि टिकटॉक को इंडिया चाइना वॉर के चक्कर में बैन किया गया, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों का भविष्य छीन लिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसको हमारे देश की सुरक्षा के लिए बैन किया गया, और हमारे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।